रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बिजली विभाग की टीम से उलझी महिलाएं, खींचतान में फट्टे कपड़े सोहना सतीश राघव। सोहना में भोंडसी थाना के आलीपुर गांव में चार लोगों ने उस समय हाथापाई कर मारपीट शुरू कर दी जिस समय बिजली विभाग जिले इस टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई थी, जिसके बाद बिजली अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और भागकर थाने पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी बेवजह उन्हें परेशान करते हैं। कर्मचारियों ने घर में घुसकर महिलाओं के कपड़े फाड़े और उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग को गांव अलीपुर से बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद हरकत में आए विभाग ने टीम के साथ मौके पर छापेमारी की और देखा कि बिजली की चोरी की जा रही है। टीम ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा और कई मकान के बिजली मीटर को उखाड़ने लगे। ग्रामीण इसका विरोध करने लगे तो दोनों तरफ से कहासुनी हुई और देखते ही देखते लोगों ने डीएचबी वीएन के एसडीओ जेई समेत लाइनमैन और सुरक्षा कर्मी के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिस वक्त ये घर पर पहुंचे थे उस समय बिजली नहीं आ रही थी। विभाग कर्मचारियों ने जबरदस्ती घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं के कपड़े भी फाड़े। भोंडसी थाना पुलिस में सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।